press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए 8 मार्च को झुंझुनू आएंगे, वहीं उनके आने से पहले यहां 3 तलाक बिल के खिलाफ निकाली गई विशाल रैली चर्चा का विषय बनी रही। 3 तलाक बिल के खिलाफ हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने झुंझुनू में सड़क पर उतरकर विरोध जाहिर किया, साथ ही सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। रैली से पूर्व महिलाएं कर्बला में एकत्रित हुई। सभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम समाज की महिला वक्ताओं ने कहा कि तलाक और निकाह का कानून हमारी शरीयत और कुरान में है, इसके अनुसार ही तलाक और निकाह होता है। महिलाओं का कहना था कि सरकार को मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक उत्थान पर ध्यान देना चाहिए। वहीं तलाक और निकाह का कानून कुरान में मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार मुस्लिम समाज के अंदरूनी मामलों पर हस्तक्षेप कर रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह रैली करीब 2 किलोमीटर लंबी थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को झुंझुनू आएंगे। यहां होने वाली सभा को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभा को लेकर सीएम ने मंगलवार को विधानसभा में विधायकों की बैठक ली और सभी को टास्क दिए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार सभा में करीब 5 लाख लोगों को शामिल करने का लक्ष्य दिया गया है। इससे पहले सभा को लेकर जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष, महामंत्री, सांसद एवं विधायकों की बैठक ली। परनामी ने कहा कि मोदी की सभा में किसी भी तरह की कमी न होने पाए। भाजपा इस सभा को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि हर मंडल से लोगों और वाहनों का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा जिले में विधानसभा वार प्रत्येक भाजपा एमएलए को भी 10,000 की संख्या लेकर पहुंचने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को महिला दिवस पर झुंझुनू आएंगे। वह यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर संदेश देंगे।